देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग GTA सीखेंगे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किस तरीके से टैक्स लगता है, कौन कौन लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और कैसे। अब जीएसटी और GTA की सर्विस कंपलसरी सर्विस है या कंपलसरी नहीं है, तो गवर्नमेंट के जो आपकी 19 मई 2017 को काउंसिल मीटिंग ने एक 12 कंडीशन जारी करी थी, उसमें सेकंड नंबर कंडीशन है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट सर्विस से आप कोई माल लेते हो तो उस पे जो वो आपको बिल देगा वो तो टैक्स लगाएगा नहीं। आप लोग सभी जानते हैं कि जो कंपलसरी सर्विस होती है उसमें सर्विस प्रोवाइडर टैक्स देने के लायबल नहीं होता, जबकि जो सर्विस को एक्सेप्ट करता है, जो सर्विस को लेता है, वो सर्विस पे करना उसको 100% कंपलसरी है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ सर्विस टैक्स पेबल बाय सर्विस प्रोवाइडर कितना है, देन सर्विस रिसिपिएंट एक्सेप्ट सर्विस देन चार्ज पे 100%। ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड सर्विस है वो कौन सी सर्विस है हमारी, GTA की सर्विस, जिसको बोलते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये कंपलसरी सर्विस होती है, इसका अपना एक चैप्टर भी है, उस चैप्टर को हम लोग यहाँ से समझते हैं। सबसे पहले चैप्टर जो हमारा स्टार्ट है वो टॉपिक का नाम है GTA सर्विस ट्रांसपोर्ट गुड्स बाय रोड। गवर्नमेंट ने, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से बिफोर इसके प्रोविजन को समझते हैं गवर्नमेंट ने कैसा क्यों बोला। गवर्नमेंट ने सेक्शन 3 और सबसेक्शन 9 सबसेक्शन 3 GST एक्ट में बोला है कि मैं कुछ ऐसी आइटमों पे या कुछ ऐसी सर्विसों पे रिसिपिएंट पे टैक्स चार्ज करूंगा। क्या करूंगा? टैक्स चार्ज करूंगा। इस पूरे सेक्शन में यही बताया है गवर्नमेंट ने कि जो सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस टैक्स नहीं देगा, जबकि जो सर्विस रिसिपिएंट होगा वो टैक्स को पे करेगा। और ये कौन से सेक्शन में बोला गवर्नमेंट ने? अब सर कौन कौन टैक्स पे करने के लायबल है ना GTA के अंदर, कौन से लोग जो सर्विस लेंगे वो टैक्स पे करने के लायबल है? ऐसा पर्सन जो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन करा है, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूँ, गवर्नमेंट के फैक्ट्री एक्ट के अंदर ना मैंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, क्या करा रखा है, प्लान रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, मुझे टैक्स पे करना है। ऐसा कोई सोसाइटी चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, सोसाइटी, तब भी मुझको टैक्स पे करना है। ऐसा ये 7 तरह की कंपनी होती है, इंडिविजुअल ऑफ पर्सन, प्रोप्राइटर, कैपिटल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अलग अलग मतलब है, अगर इस टॉपिक में इन्वॉल्व करेंगे तो बहुत हो जाएगा। बिल्कुल, एनी कॉर्पोरेट बॉडी, क्योंकि इनको बताऊंगा कि सारी चीज लिख जाए, इसकी अलग एक डेफिनेशन है कॉपरेटिव, ठीक है, एनी पर्सन रजिस्ट्री अंदर GST, एनी बॉडी इस्टेब्लिश या एनी पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और लास्ट हमारा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फिलहाल ये बेसिकली कंपनियां होती हैं जो अलग अलग क्राइटेरिया की कंपनी होती है, जैसे कोई फैक्ट्री एक्ट हो गई, सोसाइटी कंपनी हो गई, कॉपरेटिव फर्म हो गई, ठीक है, इंडिविजुअल हो गई, ठीक है। इनके लिए मैं एक अलग से आप लोगों के लिए 7 कंडीशन की वीडियो बनाऊंगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म किनको कहते हैं, कैजुअल पर्सन तो आप लोग जानते हैं जो थोड़े समय के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर इनमें से कोई भी सर्विस लेता है ना उनको टैक्स पे करना है। सर बचा कौन जिसको टैक्स पे नहीं करना, तो उसके अंदर ये आपके लोग बचे। पहला इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं करेगा, दूसरा प्रोप्राइटरशिप टैक्स पे नहीं करेगा, और तीसरा अगर इन दोनों के HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अगर इन तीनों में से कोई भी GTA की सर्विस लेता है ना तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो पर्सन GST एक्ट में, CGST एक्ट में या UTGST, मतलब अगर वो GST के अंदर एक्टिव हो गया ना तब भी उसको टैक्स देंगे। मतलब गवर्नमेंट ने कहीं नहीं छोड़ा, दोबारा समझाता हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं इनमें से किसी में नहीं आता, इनमें से मैं किसी में नहीं आता, मैं एक इंडिविजुअल पर्सन, क्या हूँ मैं, इंडिविजुअल, हाँ, इनमें से किसी में भी रजिस्ट्रेशन हमने नहीं करवाया, मैं इंडिविजुअल, लेकिन मैंने ना CGST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मैंने कहा सर मुझे GST का रजिस्ट्रेशन दे दो आप, CGST के अंदर तो आ गया तो टैक्स पे करो, मतलब
अल्टीमेटली आपका कोई नहीं बचा, अल्टीमेटली आपका कोई नहीं बचा, आपको टैक्स तो पे करना ही करना है। क्या करना है आपको? टैक्स पे करना है। दूसरा बोला है कि जो सर्विस देगा ना उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसको टैक्स अलाउ नहीं होगा। उसने सीजीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया भाई, उसने कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, एक दुकान खोली काम करना शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन कहीं भी नहीं है उसका, तो वो क्या बोलेगा? जीटीए की सर्विस के अंदर नहीं आएगा। फ्रांस जो इसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट टू सर्विस, जो सर्विस देगा ना क्या देगा वो तो टैक्स लगाएगा नहीं, क्या वो टैक्स लगा सकता है? जो सर्विस देगा ना वो तो टैक्स लगाएगा नहीं, लेकिन जो सर्विस लेगा उसको टैक्स लगाना, गवर्नमेंट उसको टैक्स फुल टैक्स वापिस उसको कर देगी। नेक्स्ट, किन किन टैक्सों पे आपकी रिवर्स चार्ज? अभी हमारी कंपलसरी थी एग्जाम की, इसके बारे में हम लोग बाद में करेंगे। कंपलसरी आपने पढ़ ली कौन कौन लोग इसके अंदर आएंगे, लेकिन इसके अंदर और भी चीजें हैं मोहित, कुछ एग्जेम्पशन है। जैसे कोई सर्विस आपने किसी से सर्विस ली और सर्विस का टोटल अमाउंट कितना है, मतलब कब आपको जीटीए की सर्विस पर टैक्स नहीं देना? अगर कोई आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे मिल्क सॉइल फ्रूट ग्रेन इंक्लूडिंग क्लॉथ ऐसे पल्स, मतलब आप कोई एग्रीकल्चर आइटम जानते हैं ना सब, पल्स ठीक है, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, कहीं आपदा आ गई, अभी पीछे मुजफ्फरपुर में आपकी आपदा आ गई, यहाँ से कोई आइटम जाता है ट्रांसपोर्ट से, तो उस पर भी आपका आपका जीटीए सर्विस नहीं। डिफेंस मिलिट्री, कोई मिलिट्री के लिए इक्विपमेंट जाएगा उस पर भी आपका नहीं लगेगा, देना पड़ेगा बिल्कुल। अगर नेक्स्ट आता है कि अगर मैंने मोहित कोई सर्विस ली है, जीटीए की सर्विस ली है, कितने की सर्विस ली है और उस बिल के अमाउंट की वैल्यू 1500 से नीचे, कितने से नीचे, तब आपको जीटीए की सर्विस नहीं दे। जैसे मैंने अपना माल निकाला अपने गोडाउन से, ये मेरे पास जो माल आया उसका किराया 1400 रुपए बना, तब आपको टैक्स नहीं लगा। लेकिन अगर मोहित वही खर्चा 1600 रुपए हो जाए ना, तब आपको टैक्स देना। सर सपोज दैट मैंने एक ट्रक बुक कराया, मैं पूरे ट्रक में मेरा माल नहीं जा रहा, तीन लोग हम मिलके, हम तीन लोग साझे में हुए, हमने कहा कि हम तीनों चलते हैं अपना सामान माल इससे बिकवा देते हैं, इससे सेंड करवा देते, क्या करवा देते हैं इससे सेंड करवा दे, और हम पे किराया आया 700 रुपए, तब आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो लगेगा ना, और अगर कैटेगरीज का सामान होगा तो वो 1600 होगा तब भी नहीं लगेगा, तब भी नहीं। आगे इधर सर, सपोज दैट सर अब जब ट्रक निकलता है, सर जब ट्रक निकलता है तो ट्रक में तो बहुतों का माल जाता है सर, उसमें मेरा तो नहीं है ना। अगर उस ट्रक में फरा आपका माल नहीं और औरों का भी माल जाता, उनका किराया 700 रुपए से नीचे पड़ता हर पर्सन का, तब भी आपको जीटीए की सर्विस नहीं दे। तो कौन सी कंडीशन में? या तो आपने ट्रक बुक कराया उस किराए की वैल्यू 1600 रुपए 1500 से ऊपर है, तब आपको टैक्स पे करना है। या तीन लोग मिले, जैसे आप लोग कहीं जाते घूमने तो आप लोग मीटिंग करते हैं कि हम सब चलते हैं आपस में, जो भी खर्चा आएगा उसको इक्वली बांट लेंगे, अगर उन खर्चों का एक्सपेंस की वैल्यू 700 से ज्यादा है तब आपको जीटीए की सर्विस सर ये तो आपने मुझे बता दिया, अब इसको बीजी में करके दिखाइए कैसे बीजी के अंदर करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जीटीए की सर्विस आपकी कौन सर्विस है? नहीं पता, कंपलसरी है। कौन सर्विस है हमारी? कंपलसरी, मतलब ये दो कंडीशन को हटा दो उसके बाद तो कंपलसरी हो गए ना, ये दो कंडीशन फुलफिल हुई ना। बोलो बोलो मैम बोलो, अब ये कहना चाह रहे हैं कि कंपलसरी क्यों है क्योंकि अभी
अभी ना है चलो इधर देखो मैं ट्रांसपोर्ट अकाउंट बना लूँ एक बन गया इधर क्या आ गया इधर कौन सा ग्रुप है इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट डाला तो क्या मैसेज आ रहा है हमारे पास नहीं आ रहा क्योंकि कंपनी हमने गलत सिलेक्ट कर ली हम यहाँ पर आ गए और हमने ले लिया ट्रांसपोर्ट हमने लिखा एक्सपेंस इनडायरेक्ट हमसे पूछा टैक्स कैटेगरी 5% तो 5% 12% तो 12% अभी हमारे लिए क्या है और इसमें सर्विस पे 18% मतलब नहीं आपके आइटम के ऊपर डिपेंड जैसे टेम्पो में क्या क्या आइटम जा रही कौन सा कंपल्सरी रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है कंपल्सरी भी होता है बीजी वालों को एक और टॉपिक देना चाहिए था यहाँ पर अप्लाई करके बनेगा नहीं बन रहा है तो बिजी वालों ने आपको क्या दिया फ्रॉम खाली कंपलसरी इसमें हम लोगों को कंपलसरी डालना है हमने डाल के सेव कर दिया सपोज मेरे पास एक बिल आया ट्रांसपोर्ट का बिल आया और बिल ये ट्रांसपोर्ट का है मैंने डाल दिया ए के सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्ट ये माल बिकवाते हैं जैसे करवाते हैं माल को देखिए ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं इनका एड्रेस इनका टेलीफोन नंबर इनका मोबाइल नंबर यहाँ से सब डाल के सेव कर दिया इन्होंने बिल भी दे दिया इन्होंने मेरे को माल का जो किराया लिया वो लिया 650 रुपये क्या रिवर चार्ज लगेगा नहीं सर इसमें ट्रक में मेरा पूरा मेरा माल था 1600 रुपये इन्होंने किराया लगेगा तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ पर आए हम कहाँ आएंगे मोहित पेमेंट पे आएंगे अनरजिस्टर्ड आरसीएम और यहाँ क्या लिखेंगे ट्रांसपोर्ट कितना 1600 रुपए 1600 यहाँ जरा मैसेज आ गया नेगेटिव उसके बाद आपको ये एंट्री करने के बाद आपको कहाँ पर आना है चेक पोस्ट कंसुलेटेड नहीं अभी तो पेमेंट करिए खाली हाँ अभी वो आया उसने मुझे बिल दिया 1600 रुपए की एंट्री थी मैंने 1600 रुपए की एंट्री कहाँ कर ली सिस्टम में कर उसके बाद मुझे 1 तारीख को एंट्री मैंने देखी अपनी कि एंट्री कब करनी है मैंने यहाँ पर एंट्री में गया और एंट्री यहाँ पर देखी कब एंट्री करी थी हमने 1 तारीख हमने 1 तारीख को एंट्री करी प्रधान हमारी एंट्री आ गई कितने रुपए का खर्चा लग गया हमारा 40 रुपए और उसके लिए हम लोग क्या एंट्री पोस्ट करेंगे एक F4 करेंगे फिर ये टॉपिक लेंगे और क्या कर देंगे सेव और ये हमारा सेव हो गया ठीक है देखो हमने ऑलरेडी एक एंट्री कर चुके थे इसलिए इस तरीके का कॉप हो गया है हम इसको क्या कर देंगे सेव और ये हमारा सेव हो गया और देखो हमें इसने बता दिया अभी जरूरी नहीं है आप 1 तारीख को एंट्री मारो आप यहाँ पर 31 तारीख को मार दो एंट्री और बस ये जो इनवॉइस नंबर आपको जनरेट करना नहीं बोलना है और दूसरा एक चीज याद रखना बहुत से लोग आपसे बोलेंगे यार जीएसटी के अंदर लगा सेल का बिल काटना है सर सेल का बिल काटना ये भी हमारे लिए एक सेल का बिल ही है लेकिन बस उसके अंदर इनवॉइस नंबर होना कंपलसरी अभी जरूरी नहीं है आपका जो सेल में इनवॉइस नंबर चल रहा है वही आपका इनवॉइस नंबर है आपको कोई भी डाल सकते हो आप एक अलग सीरीज बना लो वेल एंड गुड है ठीक है प्लान हो गई एंट्री और हमने इसको कर दी सेफ हो गए इसकी रिपोर्ट देखनी तो इसकी रिपोर्ट हम कहाँ जाएंगे जीएसटी की समरी में आएंगे कहाँ जाएंगे जीएसटी आर समरी और आपको कहाँ पर इफेक्ट करेगा ये जीएसटी आर 2 में पेपर कौन सा ये 40 रुपए हाँ बिल्कुल दिखा रहा है देखो ना ये रिवर्स चार्ज वाले देखो
कहीं लिखा है रिवर्स चार्ज? ठीक है मैम, आगे रिपोर्ट दिख रही है हमें सर। अब सपोज मैं इसकी पेमेंट करने गया, अभी तो मैंने टैक्स ले लिया, गवर्नमेंट को भर दिया, 4 तारीख को एक महीने बाद गवर्नमेंट को मैंने टैक्स सबमिट करा, गवर्नमेंट को टैक्स कैसे सबमिट कराऊंगा? सबसे पहले याद रखना जो आपने जनरल की एंट्री मारी है ना, उसमें आपके पास से क्या गया, आउट ये गया है ना, ये गया है ना, तो उसकी आप क्या करोगे, इसकी पेमेंट करोगे। पेमेंट में आए क्या करेंगे, पेमेंट में गए हमने बोला CGST अब तो नॉट एप्लीकेबल ना, गवर्नमेंट को पेमेंट दे रहे हैं ना हम, यहाँ पर ले लेंगे GST पेमेंट टू गवर्नमेंट। GST हमारे लिए क्या है, आउटपुट कितना बन रहा है, लेकिन 31 तारीख को दिखा एंटी करी तो कब दिखेगी हमें, आगे 49 रुपए नीचे देखो हो गए, यहाँ डी करेंगे SGST कितना, आउटपुट 49 और क्या कर देंगे यहाँ पर क्या खत्म, क्लियर है यार? ये तो पेमेंट करेंगे, दिखाएंगे नहीं क्या इसकी एंट्री, आपने गवर्नमेंट को एक मिनट सर, अभी दिलीप कह रहा कि सर हमने अपने खाता तो हमने तो एंट्री कर दी, अरे तूने एंट्री दिखाएगा तो तूने किस अकाउंट किससे पेमेंट करी गवर्नमेंट को, किसी से तो गवर्नमेंट को पेमेंट करी होगी, पोस्ट करा, अब उसको पेमेंट भी तो करेगा, अब आपने टैक्स जो आज कैलकुलेट करा था उसकी पेमेंट नहीं करी, अभी नहीं करी ना, अब पेमेंट करने का एंट्री नहीं करोगे, बिजी में करनी नहीं पड़ेगी पेमेंट में एंट्री, करनी पड़ेगी सही कैलकुलेट करके करनी पड़ेगी ना, बाद पहले थोड़ा कर देंगे सर जी, ये हो गया इसको सेव कर देंगे, इस तरीके से आपको पेमेंट की एंट्री करनी है। ये आपका GTA का टॉपिक था जिसके अंदर हमने आज सीखा कि किस तरीके से आप GTA के बारे में एंट्री करोगे, क्या क्राइटेरिया था और क्या क्या कंडीशन हमारी थी GTA के अंदर।